इस सेशन में हम रीजनिंग एबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक कोडेड इनक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कोडेड इनक्वालिटीज भी बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। कोडेड इनक्वालिटीज का क्या मतलब होता है? कोडेड इनक्वालिटीज का मतलब है जब भी हमें दो वेरिएबल को कंपेयर करना हो एक पर्टिकुलर पैरामीटर में, तो जब भी हम दो वेरिएबल को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास थ्री पॉसिबल केस बनते हैं। पहला केस कि ए लेस देन है बी के, दूसरा ए ग्रेटर देन है बी के, और तीसरा ए इक्वल है बी के। ठीक है, तो जब भी हम दो वेरिएबल को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास तीन पॉसिबल केस बनेंगे कि ए लेस देन है बी से, ए ग्रेटर देन है बी से, या ए इक्वल है बी के। ठीक है, तो ए बी से लेस देन और ग्रेटर देन या दोनों इक्वल होंगे। तो इस बेस पर हम देखते हैं कि जो इनक्वालिटीज है वो कितने तरह की होती है। यहाँ पर इनक्वालिटीज की कुछ टाइप दी हुई है हमें, तो हम इन्हें देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे ए इज नाइदर स्मॉलर और नॉर इक्वल टू बी, ना तो ए बी से स्मॉलर है और ना ही इक्वल है। तो ए क्या है? ए ग्रेटर है बी से। नेक्स्ट है यहाँ पर ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी। अगर ए ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो ए क्या है बी से? ए लेस देन है बी के। नेक्स्ट है ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन बी। अब ए नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना तो ग्रेटर है और ना ही स्मॉलर है, तो ए क्या है? ए इक्वल है बी के। नेक्स्ट है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी यानी कि जो ए है वो लेस देन बी है और इक्वल टू बी है बी के। ग्रेटर नहीं है लेकिन स्मॉलर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। नेक्स्ट है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। अब ए बी के स्मॉलर नहीं है तो ए जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू है बी के। तो यहाँ पर हमने इनक्वालिटीज की टाइप देखी कि अगर ए स्मॉलर और इक्वल नहीं है तो ग्रेटर देन है, अगर ए ग्रेटर और इक्वल नहीं है तो लेस देन है, और अगर ए ग्रेटर और स्मॉलर दोनों नहीं है तो इक्वल होगा। ठीक है, और अगर ए ग्रेटर है तो लेस देन और इक्वल टू होगा, और अगर ए स्मॉलर है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा बी के। तो यहाँ पर हमें फाइव टाइप्स की इनक्वालिटीज दी हुई है, और हमें जब भी दो वेरिएबल को कंपेयर करना होगा तो हम एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम दो वेरिएबल को कंपेयर करेंगे तो ए या तो लेस देन हो सकता है बी के, या ग्रेटर देन हो सकता है बी से, या फिर ए जो है वो इक्वल हो सकता है बी के। अब हम इनक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को करें, उसके क्वेश्चन को करने से पहले हम इससे रिलेटेड थ्री रूल्स हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको तीन रूल दिए हुए हैं। पहले रूल में एग्जाम्पल दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। नेक्स्ट है ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी। ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी एंड ए इज लेस देन और इक्वल टू सी। नेक्स्ट है ए इज लेस देन बी और ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पर हमें रूल फर्स्ट में ये मीनिंग है कि हमें यहाँ पर ए और बी में इनक्वालिटीज दी हुई है और ए और सी में इनक्वालिटीज दी हुई है। अगर इस बेस पर हमें कहा जाए कि बी और सी में क्या इनक्वालिटीज है तो हम वो कैसे मेजर करेंगे? यहाँ पर हमें ए और बी और ए और सी की इनक्वालिटीज दी हुई है, ना कि हमें बी और सी की इनक्वालिटीज दी है। तो जब भी अगर इस तरह से हमें इनक्वालिटीज दी और हमें बी और सी को कंपेयर करना हो तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा B and C cannot be determined. तो जब भी हमें B और C का रिलेशन फाइंड करना होगा तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा B and C cannot be determined. क्योंकि हमें A और B का inequalities पता है, A और C का inequalities पता है, B और C का inequalities किसी भी केस में हमें नहीं पता, क्योंकि B की A के साथ और C की भी A के साथ inequalities यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे कि A is less than B एंड ए इज लेस देन सी। तो अगर हम इसे भी कंपेयर करें तो यहाँ पर भी अगर हम बी एंड सी को इनक्वालिटीज में देखना हो तो ये भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हमें जब भी ऐसी कोई इनक्वालिटीज दी हो
किन्हीं दो वेरिएबल की किसी एक वेरिएबल के साथ, तो हम जिनकी इनक्वालिटीज आपस में नहीं दी हुई हम उन्हें मेजर यहाँ पर या उन्हें डिटरमाइन यहाँ पर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट रोल में बी एंड सी का जो इनक्वालिटीज है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेकेंड रोल में हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इनक्वालिटीज दी हुई हैं और हमें इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। फॉर एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, ग्रेटर देन और इक्वल टू ई। ठीक है, ये हमें डिफरेंट तरह की इनक्वालिटीज दी हुई और हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। सपोज कि हमें ए और सी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो वो क्या होगा? जब भी हमारे पास सिमिलर टाइप की इनक्वालिटीज होंगी तो हम उनके बीच में जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें ए और सी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो, ये हमें डायरेक्ट पता है कि ए जो है वो बी से बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो जो ए है वो बी से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो यहाँ पर हमें बी का डायरेक्ट रिलेशन पता है ए से, लेकिन हमें ए का सी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता। तो हमें जो हमें इनक्वालिटीज दी हुई हैं हम इससे फाइंड आउट करेंगे। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पर ए और सी के बीच जो रिलेशन रहेगा वो रहेगा ग्रेटर देन का, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन इनक्वालिटीज है वो ग्रेटर देन है। ठीक है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन और यहाँ पर भी ग्रेटर देन, इक्वल टू एक ही ए और बी के बीच में है लेकिन यहाँ नहीं है, तो जो कॉमन इनक्वालिटीज है वो यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें ए और ई के बीच में निकालनी हो इनक्वालिटीज, तो अगर हम ए और ई के बीच इनक्वालिटीज देखें तो यहाँ पर भी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो यहाँ पर भी जो कॉमन इनक्वालिटीज है वो ग्रेटर देन है, तो ए इज ग्रेटर देन ई। ठीक है, तो ए और ई के बीच जो रिलेशन है कि ए इज ग्रेटर देन ई, तो यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, ए इज ग्रेटर देन ई और यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन सी। ऐसे ही अगर हमें बी एंड डी की फाइंड आउट करनी हो, तो बी और डी की, तो यहाँ पर भी जो ग्रेटर देन है वो कॉमन इनक्वालिटीज है, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन। और अगर हमें सी और ई के फाइंड आउट करनी हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू डी और ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ई, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। सेकेंड रूल में क्लियर है कि जब भी हमें सिमिलर इनक्वालिटीज दी हो तो हम लोग जो है किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें जो सिमिलर इनक्वालिटीज दी होंगी। थर्ड रूल डिस्कस करते हैं। थर्ड रूल में है कि जब हमारे पास जो इनक्वालिटीज है वो डिसिमिलर हो, सिमिलर ना हो। जैसे कि आप यहाँ एक एग्जांपल देख रहे हो, ए इज लेस देन बी लेस देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन ई। ठीक है, तो अगर हमें इसका रिलेशन फाइंड आउट करना हो दो वेरिएबल के बीच, तो हम वो कैसे करेंगे? अब अगर हमें ए और सी का यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना हो, तो क्लियर है कि लेस देन है, क्योंकि जो कॉमन इनक्वालिटी है वो यहाँ पर लेस देन है। ठीक है, अगर हमें ए और डी के बीच इनक्वालिटी फाइंड आउट करनी हो, तो ए एंड डी के बीच ए लेस देन बी लेस देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अब ए लेस देन और ग्रेटर टू डी या इक्वल आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब भी हमारे पास डिसिमिलर इनक्वालिटीज होंगी तो हम उनके रिलेशन को कभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ए बड़ा है डी से, ए छोटा है डी से या ए इक्वल है डी के। तो जब भी हमारे पास डिसिमिलर इनक्वालिटीज होंगी तो उस केस में हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। तो इस केस में हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो जब भी डिसिमिलरिटीज होंगी हमारे पास इनक्वालिटीज में, तो हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। डिसिमिलरिटीज कौन कौन सी होती हैं? जहां पर लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जहां पर लेस देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है, जहां पर ये इनक्वालिटीज आपको दिखें डिसिमिलर वाली, तो वहां पर हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पर अब आपको तीनों रूल क्लियर हैं कि अगर ए और बी और ए और सी के बीच हमें रिलेशन पता है, इनक्वालिटीज पता है, तो हम बी और सी के बीच में इनक्वालिटीज
फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हमारे पास सिमिलर इनक्वालिटीज हैं तो हम लोग डेफिनेटली दो वेरिएबल के बीच में इनक्वालिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड रूल में है कि अगर डिसिमिलर है इनक्वालिटीज में तो हम उनके बीच में भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको बेस क्लियर है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं।